नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिंदू पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील, बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। नागाडी कांड मामले में माननीय न्यायालय ने दिया आदेश, 5 अभियुक्तों के आवास की हुई कुर्की। चाईबासा कांड्रा मुख्य मार्ग पर ट्रक व ट्रेलर के बीच हुई भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल। और सिटी एसपी प्रभात कुमार ने किया साफ, बिना कागजात वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले एमजीएम अस्पताल की। जी हां, कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल शुक्रवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां 5 दिनों से भर्ती एक गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद बच्चे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और यहां इलाज कर रही महिला डॉक्टर को आक्रोशित लोगों ने पीटने का भी प्रयास किया। आक्रोशित परिवार के लोगों ने डॉक्टर को अस्पताल में दौड़ाया। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड ने महिला डॉक्टर की जान बचाई। किसी तरह से महिला डॉक्टर ने अपने चैम्बर से भागकर अपनी जान बचा ली। वहीं बच्चे की मौत के बाद घंटों एमजीएम अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील रहा और घंटों आक्रोशित परिवार के लोग लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर मामले को शांत करवाया गया। वहीं परिवार के लोग बच्चे के शव को लेकर अस्पताल के अधीक्षक के पास पहुंचे, जहां उन लोगों ने लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। परिवार के लोगों का कहना था कि वे बिष्टुपुर इलाके के धतकीड़ी के रहने वाले हैं और 5 दिन से यहां गर्भवती महिला को भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर द्वारा कई दिनों से कहा जा रहा था कि सब नॉर्मल है और इनके द्वारा महिला का कई बार अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें बार बार कहा गया कि महिला नॉर्मल है और पेट में बच्चा भी ठीक है। मगर रात में जब महिला के पेट में दर्द हुआ तो इनके द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया, पर अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। बाद में जब डॉक्टर पहुंचे तो उन लोगों से डॉक्टर ने काफी गलत तरीके से व्यवहार किया। सुबह उनसे कहा गया कि ब्लड लाना होगा। जब उन्होंने ब्लड लाकर दिया तब डॉक्टर द्वारा झूठ बोलकर सिग्नेचर करवा लिया गया और ऑपरेशन कर मरे हुए बच्चे को उन लोगों को दिया गया। रात में आए, बोले थोड़ा सा दर्द हो रहा है, चले थोड़ा देख लीजिए ना। बोले क्या तुमको हो रहा है? हाँ चलो जाओ यहाँ से। जब उसको खूब जब खूब होगा तब लेके आना। अच्छा चल गए। फिर एक रोज बोली अल्ट्रासाउंड करा, कल बोली अल्ट्रासाउंड कराना। अल्ट्रासाउंड का कागज मांगने गए, बोली अभी नहीं देंगे, जब हम लोग का डॉक्टर आएगा तब देंगे। मैंने कोई चीज का यहाँ पर ही मैंने एक जिम्मेवारी है वो नहीं है यहाँ। 5 तारीख से भर्ती है, आज 11 तारीख हो गया, 6 दिन 5 तारीख से भर्ती है। 5 तारीख से नॉर्मल 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 नहीं, 5 तारीख लेके आए थे रात में, नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। हम ये भी बोले मेरा बच्चा का कम उम्र है, अगर आप लोग ऑपरेशन करिएगा तो कर दीजिए, हाँ कर दीजिए। तो बोली क्या आपको ऑपरेशन कर दे, उसको नॉर्मल होगा बोल रहे तो समझ नहीं आ रहा है आपको। बोल के नहीं करी ऑपरेशन, आज क्यों करी ऑपरेशन बच्चा मरने का बाद। हम लोग मंगल से आए हुए यहाँ पर ही, डिलीवरी है मेरा वाइफ का, इन लोग को एडमिट कराए, इन लोग बोली सारा कागज नॉर्मल है, सारा कागज नॉर्मल है। तो हम लोग को बोली अधिक कागज देख लिए, सब कागज नॉर्मल था। इन लोग बोली नॉर्मल का चांस है, भगवान से दुआ करिए। यही बोलते बोलते 3 दिन हो गया, फिर हल्का सा दर्द उठता है, बोलती है हम लोग डॉक्टर है कि आप लोग डॉक्टर है। तो आज सुबह में थोड़ा सा चेकअप के लिए बुलाया गया, तो चेकअप के लिए गई तो हमको बोलती है आप यहाँ पर साइन करिए, यहाँ पर कुछ चेकअप है, चेकअप के लिए साइन करिए। हमसे झूठ बोल के साइन करवाएगी। और यहाँ आपको बताते चलें कि माननीय न्यायालय के आदेश पर जमशेदपुर के नागाडी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 5 अभियुक्तों के घर की कुर्की की गई। नागाडी कांड के बाद से ये 5 अभियुक्त फरार चल रहे थे, जिस पर बागबेड़ा पुलिस ने कार्रवाई की। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जहां बच्चा चोरी की अफवाह में कई निर्दोष लोगों की जाने चली गई थी। इधर नागाडी कांड के बाद से बागबेड़ा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 5 अभियुक्त फरार चल रहे थे। इधर माननीय न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को घागीडी स्थित इन 5 अभियुक्त के आवास पर पुलिस पहुंची और कुर्की जब्ती की गई। वहीं बागबेड़ा पुलिस ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उक्त कार्रवाई की गई है। संबंधित विद्यालय के अभियुक्त थे, वो लोग फिरार रहे थे, बराबर छापामारी रही थी, लेकिन जब न्यायालय के द्वारा निकला हुआ था तो आज तमिला किया गया। कितने लोगों के यहाँ कुर्की जब्ती हुई? 5 अभियुक्त की यहाँ कुर्की जब्ती हुआ। कौन से क्षेत्र में सर? घागीडी।
और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर से सटे चाईबासा कांडरा मुख्य मार्ग पर ट्रेलर और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दोनों वाहनों के खलासी को गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है जमशेदपुर से खाली ट्रक चाईबासा की ओर माल लोड करने के लिए जा रहा था, तभी मुख्य सड़क पर सामने से आ रही ट्रेलर से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में मौके पर ही ट्रेलर चालक की मौत हो गई, साथ ही दोनों वाहनों के खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके से ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। गंभीर हालत में दोनों खलासी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि एसपी प्रभात कुमार का कहना है कि ऑटो के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस द्वारा आगे भी अभियान जारी रहेगा, बिना कागजात वाले ऑटो जब्त कर लिए जाएंगे। सीटीएसपी प्रभात कुमार का कहना है, शहर में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना पुलिस की पहली प्राथमिकता है। इन दिनों ऑटो में आपराधिक घटनाओं के मामले सामने आए हैं, इसे ध्यान में रखकर ऑटो के कागजात के साथ ऑटो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है। उन्होंने जानकारी दी, जांच अभियान जारी रहेगा, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास जारी है। सीटीएसपी ने कहा, जनवरी से हर महीने चेकिंग के दौरान 25 लाख रुपए जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। दूसरी तरफ सिद्धगुड़ा की रहने वाली त्रिवेणी नामक महिला ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए बताया कि ऑटो चालकों पर अंकुश लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा, आम लोग ऑटो चालकों के हरकतों से परेशान हैं। अभियान मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसा करके जो आजकल के जितने भी ड्राइवर हैं वो थोड़ा सा अलर्ट हो गए हैं, डर हो गया है, वो जो गलत काम कर रहे हैं, मतलब बिना ये लाइसेंस के चला रहे हैं, ड्रिंक करके चला रहे हैं, वो सब उन लोग डर के मारे थोड़ा सा कंट्रोल होगा। और प्रशासन बहुत ही अच्छा, और ये काम मुझे बहुत पसंद, स्पीड ड्राइव भी करता सब, और इतना तेज चलाते हैं, दिसंबर जनवरी से लेकर के लगातार ट्रैफिक को कैसे सुदृढ़ किया जाए, ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए, जिससे आम पब्लिक को और इनफैक्ट जो वाहन चलाने वाले हैं, चाहे वो ऑटो वाले हों, बाइक वाले हो, कोई हो, सबको कैसे एक सेफेस्ट सिटी मिले, उस पर हम लोगों का निरंतर प्रयास रहा है। इसमें अभी कुछ इंसिडेंट आप देखे होंगे, होते रहता है, जैसे ओवरलोडिंग के कारण एक बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा एक गिर के ऑटो से दब के मर गया, प्लस ऑटो चालकों द्वारा दो तीन बार छिनदई की घटना को भी अंजाम दिया गया है पैसेंजर के साथ। तो ये सब को देखते हुए और पिछले 3-4 महीना से ऑटो चेकिंग पे फोकस रहा है। पिछले बार जब स्टार्ट किए थे तो ऑटो वाले का डिमांड था कि कुछ समय दिया जाए ताकि हम लोग अपना पेपर को बनवा करके और सब सुदृढ़ कर लें, तो उनको टाइम दिया गया था, बकायदा 3 महीना का टाइम दिया गया। 3 महीना का टाइम पूरा होने के बाद फिर से शुरू किया गया है। और इधर जमशेदपुर के पोटका के तेतला में भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017 को रद्द करने की मांग को लेकर तेतला स्कूल मैदान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशाल जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ लैस दिखाई दिए। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तेतला में प्रस्तावित 60 एकड़ जमीन आईडा के यूनिट को जिला प्रशासन देने वाली है। इसका पंचायत के मुखिया समेत सभी ने एक स्वर में विरोध किया। दुनिया के आदिवासी मूलवासी एक हो, इसी नारे के साथ विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को ग्राम सभा तेंतला, पारंपरिक स्वशासन ग्राम प्रधान समिति, गांव गणराज्य परिषद, भूमि रक्षा वाहिनी, किसान मोर्चा आदि द्वारा आयोजित किया गया था। आदिवासियों का जो मौलिक जो समस्या है और जिस पर भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन का भी घोषणा है कि कोई भी आदिवासियों का समस्या होगा उसको निदान होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा को बिना पूछे जब एक आईडा को देने जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इसका जोरदार ढंग से हम विरोध कर रहे हैं। सरकार जो 14 जुलाई को दैनिक आपकर पेपर द्वारा प्रकाशित किया, वो पेपर मैंने देखा
जी तेतला गांव का 60 एकड़ जमीन आयडा द्वारा हस्तांतरित होने जा रहा है। दो महीने गांव आया, गांव में गांव कमांड और बुजुर्ग गांव के सब को हम बोले तो गांव वाला बोला कल मीटिंग रखिए, तो हमने गांव में एक मीटिंग बैठाया। और इधर जमशेदपुर शहर में अपराधियों द्वारा जिला प्रशासन को बड़ी चुनौती दी जा रही है। जी हाँ, शहर के पॉश इलाकों में अपराधी आसानी से घटना को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। यह जो आप नजारा देख रहे हैं वह जमशेदपुर का है। शहर में इन दिनों अपराधियों के द्वारा खुलेआम डकैती, लूट, चोरी और चिंताई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य के पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के घर के पास 28 जुलाई को हथियारबंद अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में घुसकर लूटपाट करने का प्रयास किया। वहीं मालिक द्वारा विरोध करने पर मालिक को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई। दूसरी घटना दूसरे दिन ही 29 जुलाई की है, जहां मंत्री सरिराय के घर के पास ही एक मोबाइल और लैपटॉप शोरूम में 7 अपराधियों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 60 लाख रुपए के सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। तीसरी घटना 29 जुलाई की ही है, जहां बिरसानगर थाना क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर 10 लाख के जेवरात के साथ कीमती सामान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया। चौथी घटना 6 अगस्त की है, जहां बागबेड़ा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर एक व्यवसायी को बंधक बनाकर लाखों रुपए नकदी समेत दुकान में रखे सामान लूटकर चलते बने। पांचवी घटना सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां जीएमएम नेता सोनू सिंह पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाई। 3 गोली सोनू सिंह के गाड़ी में जाकर लगी, जिसमें वे बाल बाल बच गए। 10 दिनों के अंदर बर्मा माइंस, सिद्धगोड़ा, सोनारी और बागबेड़ा समेत विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, मगर अब तक इन सभी घटनाओं में पुलिस के हाथ खाली है। मंत्री सरिराय ने भी इन घटनाओं को लेकर सरकार के साथ जिला प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। बिष्टुपुर जैसा इलाका और वहाँ इस तरह की चोरी हो जाए, कदमा में चोरी हो जाती है, और पिछले 2-3 साल से इस तरह की चोरियाँ हो रही हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता है कि पुलिस प्रशासन का जो खुफिया विभाग है वो किस तरह का है। अब हम लोग एक मंत्री के नाते इनके काम में हस्तक्षेप करके जानकारी मांगें तो भी कभी कभी लगता है कि उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने तो इसके पहले जो सीनियर एसपी थे उनको लिखा था हमने कि भाई इस क्षेत्र में कितनी चोरियां 2-2.5 साल में हुई हैं, जरा उसका विवरण दीजिए, हमको उन्होंने दिया नहीं। तो ये पुलिस के लिए तो शर्म की बात है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। थर्टी टू स्माइल स्टेशन लेजर डेंटल क्लिनिक, दांतों की समस्या से मिलेगी मुक्ति विदाउट टेंशन, क्योंकि आपके शहर में अब है 32 स्माइल स्टेशन। दांतों की सफाई हो या फिर दांतों को हो चमकाना या बिना दर्द के दांतों को हो निकलवाना, केवल 32 स्माइल स्टेशन ही जाना। 32 स्माइल स्टेशन, अ मल्टी स्पेशलिटी लेजर डेंटल क्लिनिक सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ सिटी एट भालूभासा ब्रिज जमशेदपुर, जहां दांतों की किसी भी समस्या का है समाधान 32 स्माइल स्टेशन है उसका नाम। 32 स्माइल स्टेशन, जहां फिक्स दांत लगाना, दांतों में चांदी भरना, सड़े हुए दांतों का जड़ तक इलाज यानी RCT अत्याधुनिक मशीन द्वारा किया जाता है, ओरल कैंसर की जांच के साथ ही टूटे जबड़े एवं ट्यूमर की सर्जरी भी आधुनिक तकनीक से की जाती है। दांतों की सड़न, मुंह से आती बदबू से मिलेगा छुटकारा। डेंटल इम्प्लांट करना हो या दांतों को क्लिप लगाकर ठीक करना, क्लिप विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा प्रतिदिन उपलब्ध हैं। टेढ़े मेढ़े दांतों से ना हो परेशान, 32 स्माइल स्टेशन देता है स्वस्थ सुंदर मुस्कान। दांतों की किसी भी समस्या के लिए आज ही मिले डॉक्टर VK सिंहदेव और डॉक्टर पूर्णिमा से। कदमा में है हमारी ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, KL Tower ऑपोजिट टू ऑटो स्टैंड, मेन रोड कदमा। आर मेन ब्रांच 32 स्माइल स्टेशन, जमुटार, भालूभासा, जमशेदपुर। DEPL क्रिएटिंग लाइफ स्टाइल, कई बीघा जमीन, कई प्रोजेक्ट्स। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला शहर के कासिदा में बिल्डर दत्ता रेसिडेंसी लेकर आए हैं आपके सपनों का घर किफायती दरों पर, साथ ही 10 दिनों के विशेष ऑफर के साथ।
जी हाँ, 15 लाख वाले 1 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 8 लाख रुपए में, 22 लाख वाले 2 BHK फ्लैट जिसे आप पा सकते हैं मात्र 12 लाख रुपए में, और 3 BHK फ्लैट 35 लाख वाले जिसे आप पा सकते हैं मात्र 20 लाख रुपए में। साथ में स्विमिंग पूल, मंदिर, पार्क, शॉपिंग सेंटर, कम्युनिटी हॉल, किड्स प्ले एरिया, रेस्टोरेंट, फिटनेस सेंटर, मैरिज हॉल, बॉय गर्ल्स क्लब, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सिक्योरिटी विद सीसीटीवी आदि सुविधाओं सहित दत्ता रेसिडेंसी घाटशिला। अपनी जमीन अपना घर। बुकिंग कीजिए अपना खुद का घर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7004819880933436310 6। साइट एड्रेस NS33 कासिदा नियर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, POPS घाटशिला, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सिंहभूम झारखंड 832303। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर अ एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ साड़ीज, लहंगा एंड सूट, जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट, सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन, सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता, गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला में अपने ही प्रेमी को साजिश के तहत सुनसान जगह पर बुलाकर उसकी हत्या करने के आरोपी प्रेमिका व उसके पिता को शुक्रवार को सजा मुकरर कर दी गई। सरायकेला सिविल कोर्ट के ADJ 3 धनंजय कुमार की अदालत ने आरोपी प्रेमिका पूनम महतो तथा उसके पिता मधु महतो को धारा 302 तथा धारा 120B के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 20,000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माने की आधी राशि मृतक के परिजनों को देने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने पूनम महतो के एक छोटे बच्चे को अपने साथ जेल में रखने की अनुमति दी है। इसमें देवेंद्र महतो की हत्या हुई थी, इसमें आरोप था कि उसकी प्रेमिका पूनम महतो के द्वारा उसे बुलाया गया और उसके बाद उसकी हत्या षड्यंत्र करके कर दी गई। माननीय न्यायालय ADJ 3 श्री धनंजय कुमार के न्यायालय ने दोनों को दोषी पाया और आज सजा के बिंदु पर सुनवाई थी। दोनों अभियुक्त पूनम महतो और उसके पिता मधु महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक को 20,000 रुपया का जुर्माना किया गया है और जुर्माना की आधी रकम मृतक के जो है माता पिता को देने का आदेश दिया गया है। और वहीं सरायकेला के ही खरसवां जिले के आदित्यपुर नगर निगम की वार्ड संख्या 34 में बन रहे सड़क और नाले पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। वहीं निर्माण पर रोक लगते ही स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। आदित्यपुर नगर निगम की ओर से वार्ड नंबर 34 में मार्ग संख्या 19 से लेकर 27 तक लगभग 975 मीटर सड़क और नाले का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। इधर निर्माण कार्य शुरू होते ही स्थानीय निवासी दिनेश लाल और अन्य लोगों ने शिकायत दर्ज करा दी, जिसके बाद गमरिया CO द्वारा मामले का जांच करवाया गया, जिसमें खुलासा हुआ कि जिस जमीन पर नाले का निर्माण नगर निगम करा रही है उस जमीन का मालिक कोई और है। वहीं तत्काल CO ने नाले का काम बंद करा दिया। इस संबंध में आदित्यपुर नगर निगम की ओर से CO से कारण बताओ संबंधित आवेदन दिया गया। वहीं पूर्व पार्षद सह वर्तमान पार्षद के पति द्वारा CO और शिकायतकर्ता के बीच मिलीभगत होने का आरोप लगाया गया है। इस विवाद के बाद तय समय सीमा में सड़क बनने को लेकर संशय बढ़ गया है।
चौदह वित्त योजना के ए से एनएससी से ये हुआ था कि रोड बन रहा था बाबा आश्रम नाली रोड बन रहा था, इसको दिनेश लाल के आवेदन पर सीओ मैडम बगैर जांच किए इसको रोकने का आदेश दिए। सारे जनता आक्रोश में है कि ये रोड बहुत पहले से है, रोड पे ही रोड बनना है, क्या कारण से रुकवा रही है ये सीओ मैडम ही जाने या दिनेश लाल ही जाने, इन लोग का तालमेल क्या। अब ये तो सीओ मैडम ही जाने, जब तक हम लोग उनसे बात नहीं कर लेते किस वजह से रुके हैं 77 लाख। कहाँ से कहाँ तक ये रोड नंबर 19 से बाबा आश्रम बच्चा कुलूप टांगा है एनएससी वार्ड नंबर 17 में। ये एक मुझे मिला था ऑब्जेक्शन स्थानीय निवासी दिनेश लाल और जो वहाँ के गांव वाले हैं, जो नगर परिषद के तरफ से नाली निर्माण का जो पास हुआ है वो गलत जमीन में हो रहा है। तो जब जाँच किया गया तो वाकई ये पाया गया कि सर्वे खेसरा में चिन्हित खाता 1322 है और उसमें निर्माण ना होके 1265 में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो रही है उनके द्वारा ऑब्जेक्शन करना सही पाया गया और फिलहाल इस काम में रोक लगाई गई है। और वहीं सरायकेला खरसवां के आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन की फीस माफी प्रक्रिया में बदलाव किए जाने से नाराज होकर कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनआईटी कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्रों के फीस माफी प्रक्रिया के तहत पूरे परिवार के सदस्यों का आय व विवरण मांगे जाने के निर्णय का छात्रों ने पुरजोर विरोध किया है। छात्रों ने बताया कि इससे पूर्व फीस माफी के लिए सिर्फ पिता के आय प्रमाण पत्र को संस्थान में जमा करना होता था जो कि एचडीओ कार्यालय से निर्गत होता था, लेकिन अब नए फरमान के तहत कॉलेज प्रबंधन परिवार के सभी सदस्यों के आय का पुख्ता प्रमाण पत्र मांग रही है। साथ ही सभी सदस्यों के आय का ब्यौरा भी मांगा जा रहा है जो कि सरासर गलत है। छात्रों की माने तो सिर्फ पिता के आय प्रमाण पत्र से ही उनकी फीस माफ होनी चाहिए। पूर्व से चले आ रहे इस प्रक्रिया के तहत 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छात्रों की पूरी फीस माफ की जाती है, जबकि सालाना आय 5 लाख रुपए तक होने पर छात्रों की फीस 2/3 माफ होती है। वहीं इस वर्ष संस्थान ने इस फॉर्मेट को बदल दिया है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के आय के प्रमाण का ब्यौरा प्रस्तुत करना है। लेवल का लाओ, एसटीओ लेवल का लाओ, हम लोग वही दे रहे हैं ना आपको, वो एसटीओ का डिजिटल साइन है उस पे, अगर वो डिजिटल सर्टिफिकेट है तो अकाउंटेबिलिटी तो ले रहे हैं एसटीओ की, हम अपना फॉर्मेट से दे रहे हैं और हम इनके फॉर्मेट पे यहाँ कौन एसटीओ साइन करेगा इनके फॉर्मेट। इन लोगों का कहना है कि हम जो एसडीओ से सर्टिफिकेट दे देते हैं आप उसको चेक करने वाले कौन हो, एसडीओ इनकम सर्टिफिकेट। हाँ, हम लोगों को लगता है कि एसडीओ जो है, हम एक फॉर्मेट बनाए थे हम लोग ऑफिस में, उसमें एसडीओ के ही सिग्नेचर थे, उसमें डिटेल आ गए। इन लोगों का कहना था कि हम उसको नहीं बनाएंगे, वही बात नहीं कह रहा है कि और कॉलेज में जो हो रहा है यहाँ अलग हो रहा है, वो कॉलेज 10 कॉलेज का देख के हम बनाए, सभी कॉलेज को ही हो रहा है। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के कवाली थाना क्षेत्र में लोग दहशत के माहौल में जीवन जीने पर मजबूर हैं। जी हां, बता दें कि पूरे क्षेत्र में कुत्तों का आतंक जारी है, अब तक कई लोग इन आवारा कुत्तों के शिकार भी हो चुके हैं। क्षेत्र के लोगों के अनुसार आवारा कुत्तों का दहशत इतना है कि लोग शाम होते ही अपने अपने घरों से निकलना बंद कर देते हैं। उन्होंने बताया केवल बच्चे ही नहीं बड़े लोग भी कुत्ते के शिकार हो रहे हैं। इधर घायल बच्ची की मां ने बताया कि उनकी बच्ची को भी आवारा कुत्ते ने काट कर बुरी तरह से घायल कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची के अलावे और भी अन्य लोग भी कुत्ते के शिकार हो चुके हैं। पूरे क्षेत्र में लोग दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर हैं पर कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल बच्ची का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। गाँव का आदमी सबको कुत्ता काट रहा है कि कैसे आके, हम लोग नहीं जानते हैं, पागलों की अच्छा है। के बच्ची कितने उम्र की है, क्या नाम है? लक्ष्मी। 6 साल। बड़े बड़े लोगों को भी काटा जा रहा है कुत्ते? अब तक कितने लोग घायल हो चुके हैं? 3 आदमी, एक छोटा वाला और बड़ा वाला। कहाँ रहते हैं आप? और इधर जमशेदपुर के परसुड़ी स्थित एनएसपीएस स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही स्कूल के शिक्षक पवन शर्मा पर बेवजह मारने का आरोप लगाया। फिलहाल छात्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बुधवार की बताई जा रही है। छात्र के अनुसार छुट्टी के वक्त जब छात्र निकल रहा था तभी शिक्षक पवन शर्मा ने बेवजह उसकी पिटाई कर डाली। कारण पूछने पर छात्र को और पीटा गया।
वहीं गुरुवार देर रात छात्र की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छात्र के अनुसार उसके कक्षा के शिक्षक पवन शर्मा ने बेवजह उसकी पिटाई की है, जिसके गवाह स्कूल के अन्य छात्र हैं। छात्रों ने इस संबंध में स्थानीय थाने में लिखित शिकायत की है। छात्र ने बताया अब स्कूल प्रबंधन द्वारा उसे स्कूल से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। NSPS कॉमर्स में 11वीं क्लास में सचिन चौधरी हमको पवन शर्मा नाम की सर इकोनॉमिक्स हम लोग की सर जो क्लास टीचर है वो मारे बेफालतू में कैमरा के सामने उनको 40 छापड़ मारे हैं। जब हम इसके बाद हम उनको बोले कि आप ऐसे हमको नहीं मार सकते हैं तो हमको बोलते हैं स्कूल से बाहर निकलवा देंगे, तुमको TC दिलवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। और जब हम बोले कि हम केसेस कर देंगे आपके ऊपर, बोलते जो करना है कर लेना, किसी डरते किसी से नहीं है। और बात करें पोटका की, तो पोटका के संकरदा के लोवाडी में कल्याण विभाग झारखंड सरकार की ओर से ITDA पूर्वी सिंहभूम के सौजन्य से 10 लाभुकों के बीच मुर्गी पालन से संबंधित सामग्री व दवा का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन लोक चेतना मंच द्वारा किया गया था। कल्याण विभाग ITDA योजना के अंतर्गत लाभुकों के स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 10 पोल्ट्री फार्म बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक फार्म में 300 चूजा छोड़ा गया। पूर्व जिला परिषद करुणामय मंडल मटकू के मुखिया भागीरथी हांसदा, जन चेतना मंच के श्रीनिवास कुमार आदि लोग उस समय मौजूद थे। सरकार का ये उद्देश्य है जो जनजातीय समुदाय के जो बेरोजगार युवक और युवतियां हैं, अच्छा, उनको आय वृद्धि जो है इनका हो और अपने स्वरोजगार से जुड़े। ये इनकम जनरेशन आय वृद्धि योजना के अंतर्गत कल्याण विभाग का ये ITDA डिपार्टमेंट के माध्यम से ये कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम में 10 लाभुकों का चयन किया गया ग्राम सभा के माध्यम से और उन लोगों को जो है सेट उपलब्ध कराया गया, उसके बाद चूजा उपलब्ध कराया गया 300 चूजा और उनको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वैज्ञानिक रूप से ये मुर्गी फार्म जो है चला सके और एक बिजनेसमैन के रूप में अपना लाभ जो है अर्जित कर सके। और यहाँ को बताते चलें कि साक्षी के काशीडीह से 3 बच्चे 6 अगस्त से ही लापता हैं, जिसके संबंध में साक्षी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। बताया जा रहा है काशीडीह से पिछले 6 अगस्त से 3 बच्चे लापता है। इस संबंध में साक्षी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इधर लापता बच्चे संतोष पॉल की मां जेसना पॉल ने शुक्रवार को CTSP से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। जेसना ने मीडिया को बताया लापता 3 बच्चों में से एक बच्चे ने मुंबई में रहने की जानकारी अपने माता पिता को दी, बाकी 2 बच्चों के बारे में जानकारी नहीं रहने की बात बच्चे ने बताई। 6 तारीख को 3 बजे से। अच्छा, कैसे? तीनों बच्चे एक साथ में खेलते हैं, हम 3 बजे देखे। हाँ। तो मेरा बच्चा, तीनों बच्चा बोले अरे तुम लोग घूम रहा है, तो मेरा बच्चा को साथ साथ में काहे घुमाता, तो वो लोग बोला ना वो लोग पास एक जन के पास बैग था, अब बैग के अंदर में कपड़ा भरा था, ये नहीं मालूम, बाद में मालूम चला कपड़ा भरा है। तो मेरा बच्चा को हम बुला के लाए, फिर थोड़ा देर बाद बच्चा को बोले बाबू तुम फ्रेश होकर चल जाना ट्यूशन, बोला 5 बजे ट्यूशन है, हम थोड़ा देर बाद आएंगे। उसके बाद बच्चा जब नहीं आना, हम लोग छानबीन खोजबीन करने लगा, नहीं मिला बच्चा, रात को भी खोजे नहीं मिला। जब सुबह हुआ ना तो वो लोगों का भी और 2 बच्चा का माँ जो है वो लोगों ने खोजने लगा, तो हम बोले तीनों बच्चा तो साथ में था तो तीनों बच्चे चल गया, तो बोला हाँ तीनों बच्चे तब एक साथ में भागा। उसको हम खोजबीन किए, उसके बाद हम लोग उन शाम को FIR किए यहाँ। खबरों में वक्त है और एक छोटे से ब्रेक का, आप बन रहे हैं हमारे साथ। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले, पहली ही मुलाकात में समाधान होगा, इसका लाभ अवश्य उठाएं। पता पित्री छाया, रूम नंबर 106, फोर्थ फ्लोर, के रोड, वोमेंस कॉलेज के सामने, महाराष्ट्र मंडल के पीछे। फोन एंड 8092779938। मिलने का समय सुबह 8 बजे से
एक बजे तक एवं तीन बजे से रात्रि आठ बजे तक। जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम है तैयार किसी भी वक्त हर हाल, जिनकी सेवा भावना में छुपी है मरीजों की भरपूर सुरक्षा और समुचित देखभाल, जहां की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रणाली है और उसे कहीं बेहतर, सभी प्रकार के स्त्री रोगों, बांझपन एवं मातृत्व संबंधी समस्याओं का सर्वोत्तम इलाज, डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर। अल्ट्रा मॉडर्न डायग्नोसिस सिस्टम विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट IVF सेंटर इन कुल्हान, फुली इक्विप्ड विद पेडियाट्रिक नर्सरी एंड PICU, वेल फैसिलिटेटेड OT विद एक्सपीरियंस्ड नर्सेस, बेडसाइड एक्सरे, 2D इको एंड अल्ट्रासाउंड, ENT सर्जिकल डिपार्टमेंट और जमशेदपुर का पहला निजी न्यूनेटल सर्जिकल डिपार्टमेंट। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आर अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी, क्विक डिसीजन, फास्ट एक्शन एंड द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्विसेज फॉर द थैलेसीमिया पेशेंट्स, वेल फैसिलिटेटेड एंड हाइजीनिक लेबर रूम्स, OPD एंड जनरल वार्ड्स, नर्सरी एंड वेंटिलेटर्स, गर्भस्थ शिशु का नियमित चेकअप हो या बंध्याकरण, बच्चों के लिए आपातकालीन सेवाएं हो या फिर टीकाकरण, एंश्योर्स द बेस्ट हेल्थ केयर फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन एंड चाइल्ड, राउंड द क्लॉक एम्बुलेंस फैसिलिटी और सभी प्रकार की इमरजेंसी सुविधाएं विद एक्सट्रीम लव एंड केयर। डॉक्टर अभिषेक चाइल्ड केयर एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल और ज्योति IVF सेंटर, चंद्रा सेंटर नियर होटल सागर, कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2234-001, 2234-040, 8651-004-000। जब आपके स्वास्थ्य को मिलती है आयुर्वेद की शक्ति, आपके जीवन में असाध्य रोग की समस्या बिल्कुल नहीं ठहरती। पिछले 30 वर्षों से शुद्ध एवं प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार असरदार औषधियों के साथ आपके स्वस्थ व निरोग जीवन का एक भरोसेमंद प्रतीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। जी हाँ, पिछले 30 वर्षों से लगातार बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के असाध्य रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों का बिल्कुल सफल उपचार, कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित आयुर्वेद बृहस्पति डॉक्टर SK तिवारी की सबसे कामयाब तकनीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। शारीरिक दुर्बलता हो या नपुंसकता, यौन जीवन से असंतुष्ट या काम सुख में कोई भी अड़चन, स्वप्न दोष या फिर शीघ्र पतन, आपकी सभी यौन समस्याओं का अंत बिल्कुल जड़ सहित जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। मासिक गड़बड़ी, श्वेत प्रदर, रक्त दोष या ल्यूकोरिया, शुगर, वात रोग, मोटापा या फाइलेरिया, हर मुश्किल और असाध्य रोग का विश्वसनीय इलाज एकदम सटीक जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। निसंतान दंपतियों की चाहत अब न रहे अधूरी, संतान प्राप्ति की मनोकामना हो जाए पूरी। आयुर्वेद शिरोमणि डॉक्टर SK तिवारी की सफल चिकित्सा एकदम आधुनिक। पिछले 30 वर्षों से नंबर 1 आयुर्वेदिक दवाखाना जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, स्वस्थ तन मन निरोग जीवन। होटल अंबर के बगल में, न्यू कालीमाटी रोड, साक्षी, जमशेदपुर। फोन 0657-2438-616, 983-555-1212, 943-111-3166। प्रतिमा 8 से 20 तारीख तक। जमशेदपुर में भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री महादेव जी, जिनका कई वर्षों का ज्योतिष में अनुभव है, जो कृष्णमूर्ति पद्धति से आपका जन्म कुंडली देखते हैं, आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं 100% गारंटी के साथ। मैं महादेव जी बोल रहा है, कृष्णमूर्ति पद्धति से ये विचार करते हैं, ये विचार संपूर्ण विज्ञान व्यक्ति का है। हमारा ये विचार से मैरिज, एडुकेशन, बिजनेस, डिसीज, मामला मुकदमा, कोई भी प्रॉब्लम आपको 100% गारंटी के साथ हम सॉल्यूशन करते हैं। कई लोगों ने लाभ उठाया है। पिछले 12 वर्षों से मेरा कोई बच्चा नहीं था। श्री महादेव जी से मिलने के बाद और उनके द्वारा दिए गए सजेशन के बाद आज मेरे घर में बच्चे की फिरकारी सुनने को मिली और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमें अनेक ज्योतिषी का गेसिलाम, किसी प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कोई साफल्य पाई नहीं। जब थे महादेव बाबू का गेसि तब थे अनेक साफल्य लाभ इस मे बे ऐसे चाकरी सब कुछ तो अनेक ठीक ठाक उन्हें जेभाव प्रेसक्राइब कर मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। श्री महादेव जी के परामर्श के बाद आज मेरा बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो रहा है। महादेव जी से मिलें और सभी परेशानियों से निजात पाएं। मिलने के लिए संपर्क करें जेमको।
आदित्यपुर, साक्षी, सोनारी, मानगो, गोलमुरी। मोबाइल नंबर 9874826809430 9430715730 9709052086। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साक्षी के पुराना कोर्ट के सामने जेएमएम कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का 43वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सह जेएमएम के केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का 43वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। शुक्रवार को पुराने कोर्ट के समीप स्थित जेएमएम कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटा। इधर पार्टी के केंद्रीय समिति के सदस्य प्रमोद लाल ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। का पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत दा का जन्म 43वां जन्मदिन मना रहे हैं और हम लोग ने भगवान से मना रहे हैं कि हेमंत दा इसी तरह 3 करोड़ जनता का, झारखंड का जनता को काम करते रहे और आने वाला समय में झारखंड की जनता का विकास की ओर झारखंड को ले जाने का काम करे और झारखंड आगे बढ़े और झारखंड का उन्नति हो, यही शुभकामना के साथ आज हम लोग हेमंत दा का जन्मदिन मना रहे हैं कि आने वाला समय भाजपा सरकार को खड़े करने का। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर के टेलको स्थित सुमंत मूलगांवकर स्टेडियम में इन दिनों टाटा मोटर्स के द्वारा स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों पर की जा रही है। जी हाँ, क्षेत्र के 17 स्कूलों के छात्र कंपनी के सिक्योरिटी तथा फायर ब्रिगेड के जवान यहाँ परेड में शामिल होंगे। प्रत्येक वर्ष बड़े ही धूमधाम से यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 दिनों पूर्व से ही यहाँ परेड की तैयारी शुरू कर दी जाती है। क्षेत्र में स्थित 17 स्कूलों से बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यहाँ परेड में शामिल होकर तिरंगे को सलामी देते हैं। इस बार इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कंपनी के प्लांट हेड एबी लाल उपस्थित रहेंगे और उन्हीं के हाथों झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्टेडियम में परेड को लेकर इन दिनों अभ्यास का दौर जारी है। आपको ज्ञात है कि हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी टाटा मोटर्स स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाएगा और इसी के लिए परेड की तैयारियां चल रही हैं। तो हमने कल भी प्रैक्टिस की थी, 4 दिन प्रैक्टिस होगी। इसमें तकरीबन हमारे जितने शिक्षा प्रसार केंद्र के अंदर में स्कूल हैं, तकरीबन 16 से 17 स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्लाटून पार्टिसिपेट कर रही है, फायर विंग और एनसीसी कैडेट्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुख्य अतिथि हमारे हेड मैन्युफैक्चरिंग CEO मिस्टर एबी लाल मुख्य अतिथि रहेंगे, वही झंडा तोलन करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के टेलको स्थित टाटा मोटर्स कंपनी के अस्थायी मजदूरों को स्थायी तथा समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जिला एटक ने शुक्रवार को कंपनी के समक्ष विरोध रैली निकाली तथा मजदूरों के हितों की रक्षा की मांग की। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत एटक के द्वारा यह रैली निकाली गई। पूरे राज्य और देश में एटक के द्वारा विभिन्न कंपनियों में इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। जमशेदपुर में भी यह अभियान 40 दिनों तक चलाया जाएगा। शुक्रवार को टाटा मोटर्स कंपनी के समक्ष यह विरोध रैली निकाली गई जो पूरे टेलको क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वापस कंपनी गेट पर आकर समाप्त हुई। इस दौरान एटक के जिला सचिव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जो भी ठेका मजदूर 10 वर्ष से कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें कंपनी को स्थायी मजदूर घोषित करना होगा, लेकिन कंपनी इस पर अमल नहीं कर रही है। साथ ही साथ समान काम समान वेतन को भी कंपनी नहीं मान रही है, जिस कारण यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि लगातार 40 दिनों तक यह आंदोलन विभिन्न कंपनियों में चलाया जाएगा और मजदूरों को उनका हक दिलवाया जाएगा। आज पूरे देश में AITUC का राष्ट्रीय कॉल है ठेका मजदूर दिवस मनाने का। इसका गर्ज यह है कि पूरे देश में ठेका मजदूरों पर शोषण भयंकर है। ठेका मजदूरों के लिए जो श्रम कानून बनाया गया है उसको छीना जा रहा है और उसी के कड़ी में अभी टाटा मोटर के गेट पर हम लोग तमाम टाटा मोटर के काम करने वाले ठेका मजदूर आज संगठित होकर के अपने बात को रखने जा रहे हैं और ये प्रबंधन को कहने जा रहे हैं कि हमारी जो सुविधा है उसको बहाल करो, समान काम का समान वेतन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि 240 दिन जिन ठेका मजदूरों का होगा उसको अस्थायी नौकरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए पूरे देश में यह आंदोलन AITUC के नेतृत्व में चल रहा है। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने DTO से मुलाकात की। बातचीत के दौरान DTO दिनेश रंजन ने प्रतिनिधि मंडल को साफ तौर पर कहा कि ओवरलोडिंग और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ऑटो चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीटीओ ने यह भी कहा कि गाड़ी का फिटनेस और रोड परमिट अनिवार्य है। इस संबंध में एमबीआई के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई की नीति निर्धारण की जाएगी। ये जानकारी डॉक्टर पवन पांडे ने डीटीओ के साथ हुई वार्ता के संबंध में दी। हम लोग चाहते हैं कि शहर में ये जो ऑटो की समस्या है ना, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाए, इस परेशानी को ख़त्म किया जाए, सभी लोग सही से परिचालन करें, ना किसी अभिभावक को परेशानी हो ना किसी बच्चे को। डीटीओ साहब से हम लोग ये कहने आ जाए हैं कि इस प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि जब ऑटो चालक जा रहे हैं अपना फिटनेस बनवाने, उस समय में उनको ये एमबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि आप दाहिने तरफ का रोड हटा के आइए, और जिला प्रशासन और यातायात पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि नहीं, आप दाहिने तरफ का रोड लगा के आइए, तब आप रोड में चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या। और इधर जेवीएम कदमा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ऑटो चालकों को और कुछ वक्त देने की मांग के समर्थन में जेवीएम कदमा मंडल के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इधर मंडल अध्यक्ष बच्चेलाल भगत ने बताया, ऑटो चालकों को और कुछ दिनों के लिए राहत देने की मांग उपायुक्त से की गई है। जमशेदपुर शहर में विगत एक सप्ताह पहले एक स्कूली छात्र बच्चे का टेम्पू से गिरकर मौत हो जाने के कारण, और दूसरी घटना स्कूली वाहन चालक जो मारुति वैन चलाते थे उनके द्वारा छात्रा के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी के विरोध में, और उनके दोषी को सजा दिलाने के न्याय को मांग को लेकर माननीय उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग आए हैं। और उधर जमशेदपुर झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्लॉक समिति की ओर से वीडियो को एक ज्ञापन सौंपा गया, और बरसात के मौसम में गोविंदपुर क्षेत्र में साफ सफाई के मद्देनजर ठोस कदम उठाने की मांग की गई। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। विगत कुछ दिनों पूर्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा गोविंदपुर क्षेत्र के सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए सड़क के बीचों बीच धान रोपनी का कार्य किया गया था। इधर शुक्रवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर ब्लॉक समिति के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सभी पंचायत क्षेत्रों में, खासकर गोविंदपुर क्षेत्र में, डीटीटी व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, साथ ही समय समय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की मांग की गई है, ताकि बरसात के मौसम में क्षेत्रवासी महामारी की चपेट में ना आ पाए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के महावीर मुर्मू ने बताया कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का रूप अख्तियार किया जाएगा। जमशेदपुर ब्लॉक समिति की ओर से आज हम लोग वीडियो साहब ज्ञापन सौंपे, और इसमें जो आज बरसात के दिनों में आप देख रहे हैं कि गोविंदपुर क्षेत्र आप जाइएगा तो सड़क की क्या स्थिति है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। कुछ दिन पहले वहाँ के लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, वहाँ धान रोपने का काम किया था सड़क में, ये स्थिति है सड़क की। और बरसात के दिनों में हमेशा से ही हर पंचायत में देखते हैं कि साफ़ सफाई के अभाव में महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। उसी को देखते हुए हमने वीडियो साहब से अनुरोध किया है कि हर क्षेत्र में डीटीटी का छिड़काव किया जाए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए, और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करके लोगों को जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाए। और यहाँ आपको बताते चले कि साक्षी के पुराना कोट के नजदीक चाकू की नोक पर एक इंजीनियर के छात्र से एक ऑटो चालक और उसके दोस्त ने छिनतई की। मानगो डिमना रोड स्थित गर्ग इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर के पुत्र हर्षित कुमार अग्रवाल के साथ गुरुवार की रात पुराने कोट के समीप टेम्पो चालक और उसके साथियों ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया। चाकू दिखाकर 4,000 रुपए, मोबाइल फोन, टैब और बैग लेकर फरार हो गए। हर्षित कोलकाता स्थित संत जेवियर कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। इधर हर्षित ने घटना के संबंध में जानकारी दी। हम स्टील से आ रहे थे तो वहाँ से पहले टेम्पो लिए, एक दो साक्षी गोल चक्कर में उतरे, फिर साक्षी गोल चक्कर से मैंने दूसरा टेम्पो लिया, खाली उसने कोई नहीं था, एक ड्राइवर था और उसके बगल में एक आदमी बैठा हुआ था वो। उसके बाद वहाँ से मैंने ये आई हॉस्पिटल के पास से टेम्पो लिया, उसके बाद यहाँ पे लाया ये आपका कोर्ट पास, कोर्ट के पास में वो आदमी जो आगे बैठा था चलता टेम्पो में, पीछे आगे रॉड पकड़ के, और फिर ये मेरे गला में हाथ रख के ब्लेड रखा मेरे गला में इधर में, और बोलते जितना सामान है सब निकाल दिए नहीं तो मार देंगे। तो मेरा फ़ोन और वॉलेट वो चोरी कर लिया है। फिर उसके बाद वो आदमी वहीं पे टेम्पो वाले को रुक के उतरा, फिर हम इधर ये आपका मरीन ड्राइव का क्रॉसिंग पास आए, इधर में देखने के लिए पुलिस है कि नहीं, सामान लेके जैसे ही उतरे टेम्पो वाला उधर सीधा मानगो साइड भाग गया। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित एमजीएम अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील, बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया जमकर हंगामा।
नागाडी कांड मामले में माननीय न्यायालय ने दिया आदेश, 5 अभियुक्तों के आवास की हुई कुर्की। चाईबासा कांड्रा मुख्य मार्ग पर ट्रक व ट्रेलर के बीच हुई भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल। और सिटी एसपी प्रभात कुमार ने किया साफ, बिना कागजात वाले वाहनों को किया जाएगा जब्त। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।